वक्-वक एफआईआर पे ड्रग के मसले पे इफेक्टिव एक्शन लेंदे हुए दो मॉड्यूल्स नू क्रैक किया गया है, जिसते एक केस च इंटरस्टेट रैमिफिकेशन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की मिली हैगी, इसी तरह दूजे केस च भी इंटर डिस्ट्रिक्ट रैमिफिकेशन जो पाई गई है। पहला केस जो है सिटी बंगा से 5 दिसंबर नू रजिस्टर किया गया सी, जिसके बेस से पहला लिंक जो अरेस्ट होया सीगा उसका नाम है दलीप कुमार। उसकी पुछगिछ के बेस च फरदर जो है एक मेडिकल स्टोर जो रन करता से हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने एप्रीहेंड किया गया सीगा, उसका नाम है सुखविंदर सिंह। तो उसकी पुछगिछ के बेस च बैकवर्ड लिंक अगे फरदर टीम ने चंगा काम किया, एस पी डी की सुपरविजन से DSP बंगा DSPD की टीम ने SHO सिटी बंगा ने भी बैकवर्ड लिंकेज ट्रेस करते हुए UP के जो एक एंटिटी हैगी अंकित नाम की उसनू भी एप्रीहेंड किया गया, जिसके बेस से रिकवरी टोटल जो है इस केस 30,270 इंटॉक्सीकेंट टैबलेट्स की हुई हैगी। ये एल्प्राजोलम की टैबलेट हैगी है जो इसका मिसयूज जो है ये अपना ड्रग एडिक्ट्स करते हैं। तो इसी तरह दूजे केस च भी एक स्पेसिफिक इनपुट के बेस से 450 टैबलेट्स ऑफ ब्यूप्रिन ऑरफिन की रिकवरी की गई है, ये भी इंटर डिस्ट्रिक्ट रैमिफिकेशन हले तक जो सामने आ रही हैगी है। तो वी आर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग बोथ द केसिस, तो इस जो भी फर्दर जो कोई गल आऊगी वो थोड़े नाल फिर शेयर कर दी जाऊगी। ड्रग्स के इशू के प्रॉम्प्ट से प्रोएक्टिव एक्शन की जो एक उसनू आगे देखते हुए सारे स्टेक होल्डर्स नू डिस्ट्रिक्ट ते इन्वॉल्व किया गया है। तो पिछले 3 हफ्तों तो जो गोल फॉर लाइफ फुटबॉल लीग शुरू की गई सी उहदे 2 फाइनलिस्ट टीम्स जो है वो अपने को आ गई हैगी। तो फाइनल मैच जो है 20 दिसंबर नू बुधवार नू 1 बजे SN कॉलेज जो बंगा का है उत्थे स्टेडियम च होगा। तो उत्थे जो डिग्निटरीज भी आएंगे कटिंग अक्रॉस उस च मतलब पोलिटिकली भी ते लोकल जो सोशल एक्टिविस्ट है स्टेक होल्डरस जो भी है प्रोफेसनल है सीनियर ऑफिशियल हो रहे टीम शहीद भगत सिंह नगर पुलिस तो होगी। तो ये बड़ा चंगा आउटरीच प्रोग्राम रहा है पिछले 3 हफ्तों से लगभग 1 लाख यूथ नू डायरैक्टली इनडायरैक्टली वर्चुअली एंगेज किया गया। तो ओवरऑल अवेयरनैस जो हैगी इस दे बारे बड़ी हैगी। तो आई वुड लाइक टू कमेंड माई टीम कि उन्होंने पिछले 3 हफ्ते च काफ़ी मेहनत की, लोगों के बीच गए तो फीडबैक भी ली गई इस बेस से और फिर आगे फर्दर एक्शन जो है उससे लिया जाऊगा। कोरियर जितों हुए आ उन्होंने भी कोई इन्वेस्टिगेशन पार्ट अभी जोड़ रहे हैं भी कोरियर कितों हो गए नहीं है दोनों। हाँ दैट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओबियसली मैं यही कह रहा ना कि इससे फर्दर किस तरह लिंकेजेस हुआ है, क्योंकि जो मॉडल ऑफ ब्रेंडी हैगी है इससे यही गल सामने आई कि इन्हों फाइनेंशियल फुटप्रिंट इधर तो ये पैसे जमा कराते थे उधरों UP तो जो एंटिटी हैगी अंकित वो कोरियर के थ्रू इन्हों कंसाइनमेंट भेज देता सर। जिदा पिंड RMPs बैठे बहुत पिंड हरेक जी सुन च यही आता RMPs बहुत होंगे नहीं इस देखो जब भी कोई स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप वेरीफाई कर दे और ड्यू प्रोसीजर फॉलो कर दे। ये जो सिटी नवांशहर वाले मैटर च भी जब रिकवरी ब्यूप्रिन ऑरफिन की हुई सी तो इसनों भी फर्दर जब वर्कअप किया तो उसने भी एक मेडिकल स्टोर से जो प्री गाबालिन की रिकवरी हुई सी वो NDPS एक्ट च कवर नहीं होंगी, बट उसका भी ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है उसनों उसके टीम से शामिल किया गया और जो भी प्रोसीजर बनता सी उन्होंने वो फिर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने फॉलो प्रिस्क्रिप्शन तो बिना नहीं दी जा सकती तो उन्होंने भी गाइड कर रहे जो फार्मेसी वाले नहीं डेफिनेटली ये तो जो रूल हैगा मतलब इस दे बारे बिल्कुल क्लियर हैगा कि ये तो सब्सटेंस जो फार्मास्यूटिकल ड्रग जो ट्रामेडोल है ब्यूप्रिन ऑरफिन है ये स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन जो प्रोफेशनल दी डॉक्टर दी साइकेट्रिस्ट ते ही दिता जा सकता है, इसकी ओपन सोर्स डिस्पेंसिंग या प्रिस्क्रिप्शन उसके हवा इसमें नहीं दी जा सकती। तो ये तुहाडे माध्यम से मैं लोगों नूं भी ये कहना चाहवांगा कि इस चीज़ के बारे बड़ा जागरूक रहने की लोड़ हैगी है कि मतलब पता होवे कि कानून इस पर कितना सख्त हैगा कि NDPS एक्ट के प्रोविजन बड़े स्ट्रिंजेंट है तो इसके बाद कोई एक्शन होने के बाद किसी का कोई बचाव नहीं। ये गल सामने आई है कि जो एक नई एक ट्रेंड या नया जो एडिक्ट्स ने कर लिया हैगा कि जिथे पुलिस सप्लाई साइड मतलब काफ़ी एक्शन लेंदे हुए जो सप्लाई साइड कट कर दी है स्मगलर्स नू पकड़ दी है जो पीछे चिट्टे दी हेरोइन दी काफ़ी सप्लाई साइड कट की थी, तो उस करके जो है फार्मास्यूटिकल साइड थोड़ी डाइवर्जन जो है देखनी चाहिएगी
पर इसते भी असी फीडबैक ते इनपुट दे बेस ते काफी मतलब प्रोएक्टिवली पुलिसिंग करते हुए इनपुट जनरेट करके उन्होंने वेरीफाई किया गया उस दे बेस ते दोनों ही केसिस ते चंगा काम पुलिस टीम्स ने किया है। तो आई वुड लाइक टू कमेंड बोथ माई ऑफिसर्स एंड टीम की उन्होंने इस मतलब प्रोएक्टिवली होकर इस केस नू फरदर अगे वर्कअप किया। सर मेरे एक क्वेश्चन